भैया ऐसी जब नई नई शादी हुई शेख चिल्ली की, बार रुखसाना ने भी फरमाइश कर दी। हेलो हेलो शेख जी, सबके शोहर अपनी अपनी बीवियों को कहीं मेले में घुमाने ले जा रहे हैं, कहीं होटल में खाना खिलाने ले जा रहे हैं, कोई कहीं घुमाने ले जा रहे हैं, मुझे भी होटल में खाना खिला लाओ। तेरे बाप ने भी खाया कभी होटल में खाना? शेख जी अप्पू है वे। तो तेरा अप्पू होगा, मेरा भी अप्पू है। चलो मुझे नहीं पता कुछ भी। चल एक काम कर, हाँ जैसे मैं तुझे घुमाऊं, हाँ, और वहाँ जो भी मैं करूं, अच्छा मेरी हाँ मैं हाँ करती रही हूँ, ठीक है। अगर तेना जरा सी मेरे से खिलाफ चली, हाँ, तो तेरा वही बक्कल सवार दूंगा सवाली। यो बात ठीक है, ठीक है चल, ठीक है। बस भाई जब नहीं माननी, मैंने सोचे भैया नहीं नहीं है कभी सारी लग जा, मगर ले चली चल। भाई मैं घूमता घामता भाई एक होटल में जा फंसे, बड़े से होटल में रुकसा ना। हाँ देख ये होटल है, देख कैसे, कौन सा होटल है? फाइव स्टार। कौन सा? फाइव स्टार। अंग्रेजी पढ़ी हुई है, सारी अंग्रेजी पढ़ रही है। हाँ इसमें खाना खिला देता हूँ तुझे। हाँ जी ठीक है, देख देख अभी देख, ठीक है। मैं भाईजान आओ जी, आओ मुल्ला जी आओ। मैं खाना वाना होटल पे है? खाना है बिल्कुल ताजी है। कैसे कैसे खिला रहे हो भाईजान? बहुत सस्ता सस्ता, एक रुपए की एक रोटी, ठीक है, और दाल फ्री। एक रुपए की एक रोटी और दाल फ्री? देखी जान रिक्शा ना। हाँ एक रुपए की एक रोटी है और दाल फ्री की है, साले का दाल दाल ले लो। हाँ हाँ भाई जान। हाँ जी दो प्लेट दाल दे, मक्खन मार के दो प्लेट दाल। अच्छा जी अभी लगवा दो। अरे बेटे रामू। हाँ लाला जी। बेटे ग्राहक आया है, जरा दो प्लेट दाल लगा दो। सादी लगाओ, मक्खन वाली। मक्खन वाली मांग रहे हैं बेटे, लगा दे फटाफट। ठीक है जी, जा जल्दी जा। ठीक है ये लो मुल्ला जी दाल खाओ। ला ला ले ले रुक सारा पकड़। मैं इधर सुनिए। हाँ जी है जी है जी। मैं हरी मिर्च कौन लेगा? हरी मिर्च लेगा ला रिया हूँ। हरी मिर्च ला दाल है, खेचले खेचले दाल, खेचले दाल। ये लो जी हरी मिर्चें भी खाओ। मैं इधर सुनिए। हाँ जी अब क्या है? है जी मैं पानी, तेरा बाप लाएगा पानी लेगा मरवाएगा यहाँ। वो लहरी 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 लिया लिया लिया। ये लो जी पानी पियो। लिया लिया और सुन। हाँ गैली भगला गैली भगला, सुनता नहीं? दो प्लेट दाल और दो प्लेट जल्दी जा। शेख जी हा? इतना भी रोक मत ना झाड़ो, आराम से खड़ी रहे, साली का बक्कल तार दूंगा आराम से खड़ी रहे। ये लो दो प्लेट दाल और ले 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 लिया। और अब क्या है? अजीब ग्राहक आए साले, मार मार के गुद्दी और लाल कर दी। लाला जी। हाँ बेटा। लाला जी हाँ। दाल ही दाल खा रहे, रोटी तो मांगी नहीं रहे। एक भी रोटी नहीं ली? एक भी नहीं मांगी। और मार मार के मेरी गुद्दी और लाल कर दी। दिखाइयो। देखो तेरी गुद्दी का तो उसने लाल किला बना दिया। हाँ जी चलियो मेरे साथ। चलो दाल ले आओ भैया, दाल आ रही है। दाल दाल ही दाल खींच रहे हो? दाल ही दाल आ रही है। दाल मुल्ला जी दाल ही दाल खींच रहे हो, रोटी कौन खाएगा? रोटी खाएगा। हाँ एक बात सुनिए, अगर हम रोटी खाएंगे हाँ तो तू पैसे ना मांगेगा? पैसे तो मैं अब भी मांगूंगा। वो कहे के? रोटी के। रोटी हमने खाई नहीं है। रोटी खाओ या मत खाओ पैसे देने पड़ेंगे। क्या देने पड़ेंगे भाई? भाई मैंने पहले कह दिया था, पहले कह दिया ये तू कह रहा है रोटी एक रुपए की दाल फ्री की। अबे तो रोटी के साथ ही तो फ्री, अलग से कोई है? ज्यादा फालतू मत बोल, अपना चल। फालतू की बात नहीं है, एक रुपए की रोटी दाल फ्री है उसके जा, साथ जा 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 जाने साले की शिकल बिगाड़ दूंगा। मतलब पैसे नहीं दे ना तू, चल चलो। बेटे रामू। हाँ जी लगा जरा पुलिस को फोन। ठीक है जी। पुलिस बुलाने कह रहा, पुलिस बुलाने कह रहा। मैं क्या करूँ अब, मेरे से कह रहे हो भाईजान? हाँ जी पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं है। फिर ये बता कितने पैसे हो गए तेरे? पैसे हिसाब जो बेटे रामू, कितना हिसाब हुआ? लाला जी हाँ चार प्लेट दाल है मक्खन मार के, ठीक है, सलाह साथ है बिलसरी का पानी। अच्छा हाँ जी हाँ जी। दस दूनी बीस और बीस दूनी चालीस और दस पचास रुपए हो गए। पचास रुपए हो गए? हाँ जी। हराम के पचास रुपए? और हराम की दाल न खाई है, अगर नहीं देगा तो पुलिस बुला रहा हूँ अभी यहीं। अरे सर हाँ पुलिस बुलाने का पचास रुपए बता रहा साला। शेख जी अब अपनी अकल बंदी दिखाओ। तुम्हारे पचास रुपए हो गए ना? बिल्कुल हो गए। तुम अपने पचास रुपए काट के मेरे 450 रुपए वापिस दे दो। अपने 50 रुपए काट के 450 रुपए वापस दे दूँ? हाँ
500 रुपए तुमने अभी तक दिए नहीं आ? और कोई 500 रुपए पुराना कर्जा है नहीं मेरे पे, तो भाई 450 काहे के मांग रहे हैं? ना मैंने 500 दिए। हाँ बिल्कुल अन्ना कर्जदार। फिर काहे के मांग रहे हैं पैसे? मेरे 500 रुपए तेरे पे हैं। काहे के? भैया मेरी रुखसाना को किसी भी होटल में छेड़ने के अच्छा 500 रुपए लगते हैं। कौन रुखसाना? हाँ कौन रुखसाना? ये मेरी घरवाली। अच्छा ये हाँ इसे छेड़ने के हाँ 500 रुपए लगते हैं? 500 रुपए लगते हैं। 500 रुपए ले लेते हो तुम? हाँ बहुत बड़े कमीने हो भाई। इसे छेड़ने के है ना? छेड़ने के 500 रुपए। तो बेटे हमने तो ये छेड़ी नहीं। छेड़ी नहीं? हाँ तो बेटा ये तेरे होटल में तो थी ना? हाँ थी। छेड़ या मैं 600 रुपए 500 लूंगा। पुलिस में जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? अपने घर जाओ। हाँ। मैंने दाल के पैसे माफ कर दिए। दाल के पैसे माफ कर? एक बात सुन ले, तेरा तो मिजाज था काय का, तू तो पैसे वाला भैया। अच्छा तेरा तो मिजाज है, तेरा माफ कर दिए। मेरा भी होता नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं माफ कर। 1 रुपया नहीं छोड़ू मैं, पूरे 450 से लूंगा। रामू हाँ जी अब कैसे करूं? लाला जी हाँ ये मुल्ला बहुत बड़ा बदतमीज है। अच्छा ऐसा करो 100 दोस्तों में फैसला कर लो। ठीक कह रहा मुल्ला जी। हाँ 200 रुपए दे दूंगा, बात यही रफा दफा कर दो। तेरे बाप का नौकर लग रहा, 200 रुपए दे दूंगा। मैं जा रहा हूँ पुलिस में। अरे पहुंचा बहन जी। हाँ भाई जान इधर आओ। हाँ जी देखो एहसान से बात कर लो। हाँ 300 रुपए दे दूंगा। ठीक है जाओ। शेख जी हाँ ये भाई जान कह रहे हैं 300 रुपए ले लो। जान से मार दूंगा बदतमीज। क्यों मार दोगे? तेरी इतनी कीमत घटा दूं, 300 रुपए कर दूं तेरी कीमत, 300 कर दूं। हां 300 रुपए कर दूं तेरी कीमत। जान से मार दूंगा भाई जान। हां जी अपना भी बात कर लो। 350 दे दूंगा, जाओ जल्दी जाओ। शेख जी 350 रुपए देने को कह रहे हैं। दिलवा साले आओ आओ लाओ 350 रुपए। बेटे रामू हां जी इन्हें 350 रुपए दो, दफान करो यहां से। ये लो 350 रुपए और निकलो यहाँ से। निकले अरे बस नहीं इधर। हाँ जी हाँ जी मैं तो 350 में मान गया। अच्छा मगर आज के बाद ये बोर्ड बदल दे। वो क्यों? रोटी 1 रुपए की दाल फ्री की। अच्छा तो मैं तो मान गया, मैं तो कोई गरीब आदमी हूँ। हाँ। लेकिन कल को अगर इस मेले में से कोई भी लौंडा अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर तेरे होटल में आ गया हाँ। तो पूरे 450 लेगा रुपए। 1 नहीं कम